हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अतिउल्लाह सिद्दीकी हाजिर हूँ एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली का लाल किला। मुगलों के गौरवशाली दौर को दर्शाता ये खूबसूरत किला, जहाँ से 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं। मैं लाल किले के हर हिस्से को आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह है लाहौरी गेट। यह गेट किले के पश्चिम साइड लाहौर की तरफ खुलता है, जिसके कारण लाहौरी गेट कहा जाता है। लाल किले में 5 दरवाजे हैं, जिसमें से लाहौरी गेट मेन दरवाजा है। में जब शाहजहां तख्त पर बैठा, तो उस समय मुगलों की जो राजधानी थी मुगल अंपायर की, वो थी आगरा। लेकिन शाहजहां आगरा से हट करके वो अलग एक राजधानी बनाना चाहता था, जिसलिए दिल्ली में शाहजहां ने लाल किला बनवाए और उसके सामने नमाज के लिए उसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अब हम आ गए हैं मीना बाजार, जिसे छत्ता बाजार भी कहा जाता है। इस बाजार के ऊपर आप देखेंगे तो ये छत है, जो कि उस दौर में ये एक तरह का नया बाजार था जिसपे छत हुआ करती थी, सो इस वजह से इसे छत्ता बाजार कहा जाता है। शाहजहां के दौर में यहाँ पर ज्वेलरी, जेम्स और जो प्रीशियस स्टोन थे वो बिका करते थे यहाँ पे। यह है नक्कार खाना। बादशाह के दीवाने आम में आने पर इस नक्कार खाने से सूचना दी जाती थी। जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा, जब बादशाह की एंट्री होती है, सो एक आदमी वहाँ पे खड़े होकर के आवाज़ लगाता है कि होशियार, खबरदार, सुल्तानुल हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट, यहाँ से बेसिकली आवाज़ दी जाती थी। इस नक्कार खाने से आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वो अपने सवारी पे बैठ के इससे आगे नहीं जा सकता था। जो सिर्फ शाही खानदान के लोग थे, वही अपने सवारी में बैठकर यहाँ से आगे जा सकते थे। लाल किले के दीवारों पे कहीं कहीं आपको कुरान की आयतें लिखी हुई मिलेंगी, जो कि एक इस्लामिक किले को दर्शाता है। बादशाह के किले में पहली बार आने पर एक आलीशान जलसा हुआ था, तब यहाँ पर चांदी के खंभों पर दल बदल नाम का एक आलीशान शामियाना लगाया गया था, जिसकी कीमत
उस समय 1,00,000 रुपए थी। यह है तख्त। सो जब कभी दरबार होता था तो बादशाह इसी तख्त पर बैठते थे। उनके सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक सुंदर तख्त है। इसी तख्त पर खड़े होकर वजीर बादशाह से निवेदन करते थे या कोई अर्जी पेश करते थे। यमुना नदी से पानी लाया जाता था नहरें बिहिष्ट के जरिए, जिससे महल ठंडा रहे। गर्मियों में महल को ठंडा रखा जाता था इस पानी के जरिए, और सर्दी के मौसमों में पानी को गर्म कर दिया जाता था, जिससे कि महल जो है गर्म बना रहे। ये है दीवाने खास। दीवाने खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसकी छत चांदी की हुआ करती थी। इसी में संगमरमर का वो चबूतरा है जिस पर तख्ते ताऊस रखा जाता था। तख्ते ताऊस हीरे जवाहरात से जड़ा एक सिंहासन था, जिसे ईरान का राजा नादिर शाह लूट कर ले गया। यह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। कहा जाता है कि इसमें मोती लगे हुए थे, जिसके कारण इसे मोती मस्जिद कहा जाता था। ये बादशाह और उसकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। ये है हीरा महल। हीरा महल को 1824 में बहादुर शाह ने बनवाया था। सावन एंड भादो मंडप, ये दोनों इमारतें एक दूसरे के सामने हैं। इन दोनों इमारतों की बनावट एक जैसी है।
ये है मुमताज महल, जो कि शाहजहां की डियरेस्ट वाइफ थी, उनका महल था। 1857 में लाल किले पर जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ, उसके बाद इसे कैदखाने में बदल दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।